ये तो हीरा है, अरे ये तो बहुत कीमती हीरा है, कहाँ मिला? और रास्ते मिला, अरे ये तो करोड़ों रुपये दाम है, तुम कैसे मिल गया? नाम जे भगवान के पूर्ण घन रस विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप, वो शब्द नहीं है, भगवान के अभिन्न विग्रह स्वरूप शब्द ब्रह्म, शब्द स्वरूप भगवान शब्द रूप में, कृष्ण नाम, ये नाम भगवान का ही विग्रह है, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भाववाद नहीं, ये सत्य है, है ना। ये बोध जब नहीं होता है तब तक जाके नाम के प्रति ऐसे आदर बुद्धि होना कठिन हो जाता है। आदर बुद्धि जो वास्तविक, ये नाम जो है ये शब्द नहीं है, भगवान के स्वरूप है, भगवान ही है, नाम नामी अभिन्न होने का कारण, ये नाम को ग्रहण करने से भगवान को ही तुम हर समय अपने पास जैसे उनको ही अनुभव कर रहे हो, नाम के साथ साथ भगवत अनुभूति। नाम है एक बीज, नाम रूप बीज, तो बीज होने से ही पेड़ होता नहीं है, बीज को मिट्टी में रोपण किया जाता है, मिट्टी के संपर्क में आने से उसके बाद उसको पानी दिया जाता है, पानी देने से फिर वो बीज फूट करके उससे पौधा निकलता है, फिर पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसमें फल लगता है, वो बीज का अंदर समस्त वृक्ष निहित है, लेकिन देखने में आता है छोटा सा एक बीज है, लेकिन अनुवीक्षण यंत्र से भी अगर तुम देखोगे तो उसके अंदर पौधा पौधा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें सब कुछ है, पूर्ण एक पौधा वृक्ष उसके अंदर छुपा हुआ है। ऐसा ही वो भगवान का जो नाम है उसमें नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब निहित है, लेकिन हमको जानकारी है नहीं, हमारा बोध है नहीं, जिस कारण नाम के प्रति हमारे उतना आदर बुद्धि है नहीं। आदर बुद्धि ना होने का कारण हमारे रुचि होती नहीं है, है ना। तो वो जैसे बीज को मिट्टी में रोपण कर देते हैं, फिर उसमें पानी सिंचन करते हैं, फिर धीरे धीरे पानी का मिट्टी के संपर्क में आकर के बीज फट जाता है, बीज से फिर पौधा निकलता है। ऐसा ही हरिनाम रूप बीज, उसको हृदय रूप क्षेत्र में रोपण करो, अश्रु धारा ये पानी इसके द्वारा उसको सिंचन करो, श्रवण कीर्तन शरण आदि खाद आदि के द्वारा उसको धीरे धीरे वो मिट्टी को उर्वर करो, फर्टाइल करो, फिर उसमें से तुम्हारे भीतर ही सब कुछ निकाल आएगा, रूप लीला वो तुम स्वाभाविक दर्शन कराएंगे, नाम ही दर्शन करेंगे, तुम दर्शन करने में समर्थ नहीं हो, तुम्हारे हृदय इतना समर्थ है नहीं, लेकिन वो नाम ही कृपा करके फिर जा करके तुम साधन के द्वारा नाम को अति आग्रह के साथ जब हृदय रूप क्षेत्र में रोपण करते हो, फिर जाके अश्रुधारा आदि के द्वारा उसको सिंचन करते हो, तो जाके वो फुट के निकल आता है। ऐसा ही रूप गुण लीला तुम्हारे सामने ऑटोमेटिकली अपने को प्रकाशित करेंगे, तुम नहीं करोगे, तुम्हारा साधना करने में इतना समर्थ नहीं है, नाम स्वयं कृपा करके तुम्हारे भीतर ये प्रकट करेंगे। नाम हुईते सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमोदगम प्रमामित साधन, कृष्ण प्राप्ति सेवामित समुद्र मज्जन, इतना सब नाम से होता है। सत्य है, कल्पना नहीं है ना। जैसे मान लो तुम रास्ते में चलते चलते कहीं तुमको एक तो पत्थर मिल गया, चमकीला पत्थर, अरे क्या पत्थर है, दिखने में तो अच्छा, चलो घर ले चलो, पत्थर है, चलो बच्चा कच्चा खेलेगा, देखने में सुंदर है, किसी जौहरी ने आया तुम्हारे घर, दिखाया, देखो तो अच्छे सुंदर पत्थर, अरे ये तो हीरा है, अरे ये तो बहुत कीमती हीरा है, कहाँ मिला? और रास्ते मिल, अरे ये तो करोड़ों रुपये दाम है, तुम कैसे मिल गया? बस आप देखो आदर बुद्धि, वो कीमती चीज है ना,
आप देखो उसको कहाँ रखेंगे, चोर ना ले जाए, कोई खो ना जाए, माने आप देखो वो रखने का उसका चिंता, इतनी कीमती हीरा हमको मिल गया है, क्यों? उसका वस्तु बोध संबंध तुम्हारा धारणा हो गई है, तो आदर बुद्धि आ गया है, रुचि भी आ गया है उसको रखने का, उसको देखने का, उसको चिंतन करने का, क्यों? तुम्हारा बोध जन्म ले लिया है, जो ये बहुत ही कीमती चीज है। ऐसे ही नाम के प्रति तुम्हारे जब आदर बुद्धि होगी, है ना, तो ऑटोमेटिकली रुचि आएगी, ऑटोमेटिकली। ये रुचि ना होने का कारण है हमारा वस्तु बोध संबंध में हमारा कुछ धारणा है नहीं, नाम क्या चीज है। तो हमारे चैतन्य चरितमृतकार कहते हैं, भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद बाय भक्ति लजा बीज, भ्रमण करते करते अनंत काल 84 लाख जोनी भ्रमण करते 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 गुरु कृपा से वो बीज मिल जाता है, गुरु ने कृपा करके हमको नाम रूप बीज प्रदान करते हैं। भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान, कोई भाग्यवान जीव सबको मिलता नहीं है, गुरु कृष्ण प्रसाद माने कृपा से वो बीज मिल जाता है। गुरु कृष्ण प्रसाद बाय भक्ति लता बीज, माली होया सही बीज करे आप आरोपण, श्रवण की तन जले कराए सेचन, माली बन करके वो बीज को हृदय रूप क्षेत्र में बड़े आदर के साथ उसको रोपण करते हैं, फिर श्रवण कीर्तन आदि उसको धारा से उसको सिंचन करते हैं बड़े आदर के साथ, एकांत में बैठ करके हमारे जीवन का एकमात्र अवलंबन है हरि नाम, ये भगवत नाम, नाम ही एकमात्र आधार है, ये नाम ही सच्चिदानंद घन विग्रह है, ये सच्चिदानंद भगवत नाम ही हमको ले जाएंगे, कृपा पूर्वक हमको राधारानी के चरण कमल में पहुंचा देंगे, हमारे हृदय में प्रेम प्रदान करके हमको उनकी सेवा में नियोजित करेंगे, नाम ही हमारे एकमात्र आश्रय, नाम ही हमारे एकमात्र सहारा है, ऐसा जान करके श्रवण कीर्तन जल करे सिंचन, ऐसा ऐसा आदर के साथ हम करते हैं, घर में सब काम करते हैं खूब आदर के साथ, अपना कुटुंब परिवार आते हैं उनको हम आदर के साथ बड़ी सेवा करते हैं, कहाँ हम नाम जप करते हैं, जप करते हैं को क्या ये आदर बुद्धि से इस तरह से हम करते हैं क्या, करके देखो कैसे होता, नहीं है रुचि नहीं, रुचि नहीं होने से तो फिर तो पचेगा नहीं बढ़िया तरह से, कुछ भी खाओगे रुचि से खाना पड़ेगा तो जल्दी पच जाता है ना। श्रवण कीर्तन जले करे सचन, तो सिंचन करते करते उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिराजा ब्रह्मलोक भेदी पर बम पाए, तभी जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण, फिर धीरे धीरे वो बीज से पौधा निकालता है, प्रेम रूप पौधा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बिराजा ब्रह्मलोक आदि माने ब्रह्म ज्ञान ठहनी सब अतिक्रमण करके वो धीरे 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 एकदम गोलोक धाम माने वो प्रेम जगत में वो पहुंच जाते हैं, वो लता